नमस्कार सभी को, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या थर्ड, यूनिट संख्या थर्ड में अपन अध्ययन करेंगे आज खाद्य प्रबंधन क्या होता है। फूड मैनेजमेंट और खाद्य प्रबंधन अधिनियम में इसके किस प्रकार से इनके उपाय हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कृषि के बारे में कि कृषि क्या है और कृषि की राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार ये एक बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि खाद्य प्रबंधन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के कौन कौन से उपाय हैं। जैसा कि नाम से प्रचलित है, फूड मैनेजमेंट। खाद्य प्रबंधक अपने देश में कई बार भूखमरी, अकाल, बाढ़ के कारण मूलभूत रूप से खाद्यान्न की कमी हो जाती है, जिससे राजस्थान या भारत सरकार के द्वारा फूड मैनेजमेंट का कार्य या फूड मैनेजमेंट किया जाता है। जैसा कि भंडारण के माध्यम से उनको एक भंडारण में खाद्य को या फिर अनाज को रखा जाता है, एक उचित रेट के आधार पे आवश्यकता पड़ने पर उनको हम काम में लेते हैं। अब हम बात करें, क्योंकि देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कुपोषण और भूखमरी से शिकार है, ऐसी स्थिति में सरकार व समाज का ये दायित्व है कि ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही कारण है कि भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया गया। राजस्थान में भी इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 2013। तो खाद्य प्रबंधन में इस प्रकार से समुचित व्यवस्था करनी है जिससे मूलभूत रूप से सहायक कार्यों का प्रबंध हो सके। खाद्य प्रबंधन की बात करें तो खाद्य प्रबंधन का मुख्य जो उद्देश्य है, खाद्यान्नों के कुशल खरीद एवं वितरण के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, विशेषकर वंचित लोगों के लिए, जिसमें खाद्यान्नों के लिए किसानों से अनुरक्षित या किसानों से लाभप्रद मूल्यों से खरीद करके बम्फर स्टॉक अनुरक्षित करना, खाद्यान्नों का भंडारण, परिवहन एवं उपभोक्ताओं तक खाद्यान्नों पर उचित कीमतों पर वितरण करना, ये खाद्य प्रबंधन में आता है, जिसमें मुख्यतया इस संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य या केंद्रीय निर्गमन मूल्य के आधार पर खाद्य प्रबंधन किया जाता है। खाद्य प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न उपाय की हम बात करें तो कृषि उपज की मूल्य नीति अपनाना, कृषि उपज की मूल्य नीति उपायों में, कृषि उपज की मूल्य नीति के अंतर्गत हम बात करें जो कि कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा वर्तमान में 33 फसलों में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मूल्य के आधार पर इनको MSP के आधार पर इनको क्रियान्वित किया गया। तो खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट के आधार पर कृषि उपज मूल्य नीति के आधार पर भी अपन खाद्य या अनाज का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें मुख्यतया इस मूल्य नीति भारत सरकार के
उचित रेट के आधार पे, रेट या कृषि उपज के मूल्य नीति के आधार पे, इनका एक समर्थन मूल्य के आधार पे उनको क्रियान्वित किया गया। तो ये भी एक उपायों में आता है, जिसमें दूसरा है मूल्य संवर्धन स्कीम। मूल्य संवर्धन स्कीम भी प्राइस सपोर्ट स्कीम्स के द्वारा भी खाद्य प्रबंधन के उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है, क्योंकि मूल्य संवर्धन न्यूनतम कीमतों पर कृषि व सहकारी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि दालों में भी महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन स्कीम्स महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी रही है। तो इस प्रकार मूल्य संवर्धन स्कीम्स खाद्य प्रबंधन या किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, कि इस संवर्धन मूल्य के आधार पर किसानों को भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये भी एक उपाय है कि मूल्य संवर्धन स्कीम के द्वारा भी, समर्थन स्कीम के द्वारा भी इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। इनके ये उपायों में सम्मिलित है खाद्य प्रबंधन में। इसमें मुख्यतया विभिन्न स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में संपूर्ण रूप से प्रभावी रही है। तो खाद्य प्रबंधन स्कीम एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन भी करती हैं। तो खाद्य प्रबंधन के अंदर मूल्य संवर्धन नीति एक उपायों में सहायक सिद्ध भी हुई है, जो कि एक सराहनीय तरीके से कार्यों में है, जो कि न्यूनतम मूल्यों से अधिक, इससे अधिक उसको अपन क्रय नहीं कर सकते। इस प्रकार कृषि लागत व मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के आधार पर भी कर सकते हैं। कृषि लागत व मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा भी खाद्य प्रबंधन के अधिनियम के तहत उनको रोका जा सकता है, उनका क्रियान्वयन किया जा सकता है। क्यों? भारत सरकार ने किसानों के लिए अपनी उपज का न्यूनतम मूल्य दिलाने के लिए पोषक मूल्य नीति अपनाएगी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करने हेतु कृषि मूल्य आयोग का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। ये भी इनके उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी महत्वपूर्ण भूमिका है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी इन गवर्नमेंट। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सहायक भूमिका है, जिसमें MSP आधार पर कीमत के आधार पर सरकार द्वारा दीर्घकालीन गारंटी के रूप निश्चित किए गए उत्पादक और विनियोग से संबंधित निर्णय ले सके। MSP के द्वारा किसानों को ये भी आश्वस्त देती है कि कृषि उपज का मूल्य सरकार द्वारा निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, चाहे बम्फर फसल ही क्यों ना हो। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये भी एक उपयोग है। एक खरीद मूल्य और वसूली मूल्य, खरीद मूल्य व वसूली मूल्य। खरीद मूल्य जब सरकार जिस रेट से खाद्य सामग्री खरीदती है विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, जिसमें FCI गोदाम, FCI के द्वारा भी फूड का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है और किस प्रकार से उनको वसूला जाता है। तो वसूली मूल्य और खरीद मूल्य एक सार्वजनिक रेट के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक सुरक्षित भंडार, सुरक्षित भंडार के आधार पर भी एक महत्वपूर्ण, क्योंकि किसी भी सामान्य वर्ष में स्टॉक निर्माण के उच्च स्तर में परिणित उच्च वहन वाले किसी भी सब्सिडी के रूप में सुरक्षित भंडार महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सुरक्षित भंडार रहेंगे तो खाद्यान्न की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, आवश्यकता पड़ने पर हम इसको कर देंगे। ये विकेंद्रीकृत क्रय स्कीम और खाद्य, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी आर्थिक, जो FCI है भारतीय खाद्य निगम का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा भी खाद्य सुरक्षाओं में एक सहायक भूमिका है, क्योंकि इसमें मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य और भी विभिन्न तरीके से क्रियान्वित होती हैं। तो इस प्रकार हम खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत
मूलभूत रूप से विभिन्न उपाय कर सकते हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन भी हो सकता है। तो हम बात करें आगे खाद्य प्रबंधन फूड मैनेजमेंट के अंतर्गत कृषि उपज मूल्य नीति के द्वारा, कृषि मूल्य संवर्धन स्कीम के द्वारा, कृषि लागत व मूल्य आयोग के द्वारा इनको रोक सकते हैं, उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो ये अपना एक खाद्य प्रबंधन है जो कि एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन भी करता है। इस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से गरीब एवं सामान्य APL व BPL परिवार को अपन खाद्य प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर चयनित या राशन प्रणाली जो कि ग्रामीण परिवेश में ये पूर्ण रूप से लागू भी है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का भी निर्वहन करती है कि फूड मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, उसको उनको उचित मूल्य रेट पे खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस प्रकार फूड मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो इनके उपाय मुख्यतया राज्य सरकार और भारत सरकार निरंतर कर रही है। तो हम फूड मैनेजमेंट की चर्चा करें तो जैसा कि मैंने आपको बिंदुवार बताया कि फूड मैनेजमेंट हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि राजस्थान सरकार भारत सरकार के नियमानुसार उनके उचित दिशा निर्देशानुसार कार्य कर सकते हैं। तो खाद्य सामग्री या फूड मैनेजमेंट एक सहायक रूप से विभिन्न अधिनियम के तहत हम उपायों की हम उपाय भी कर सकते हैं, तो जिससे खाद्य सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के विभिन्न उपाय, विभिन्न मूल्यों, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मैंने आपको प्राइस, वसूली, लागत, उनके आधार पे हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में ये पढ़ा कि फूड मैनेजमेंट क्या है, उनके क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये हम किसान वर्ग और सरकार और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, जिससे भारत व राज्य में आने वाले वित्तीय संकट वित्तीय आपदा से बचा भी जा सके। तो इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में राजस्थान में संचालित कृषि के कौन कौन से विकास की योजनाएं हैं, उनका हम बिंदुवार अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में कृषि वित्त के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कृषि वित्त के प्रकार व स्रोत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो कृषि वित्त के प्रकारों में पढ़ेंगे अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, और कृषि वित्त के स्रोत कौन कौन से स्रोतों हैं, स्रोतों का आलोचनात्मक अध्ययन है वो अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में यूनिट संख्या 3 में और यूनिट संख्या 5 में वो क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। ठीक है, तो आपको कृषि वित्त से संबंधित या कृषि वित्त के कौन से स्रोत हैं उनके अपन अगले वीडियो में, अगले अध्याय में या अगले चैप्टर में हम लेके आएंगे। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।